So, Hanji Dido. So, I'm going to leave Rida now today because Simad isn't well. ये न्यूज़पेपर पर देखी ही आएगी तभी मानती है। जैसे कल रात को आपने देखा ही होगा सिमर की वो लोग आई थी तो सिमर इज इन वेल। वो थोड़ी देर के लिए उठी क्योंकि इसके बाल बनाने थे और बाकी मैंने थोड़ा बहुत रेडी कर दिया। अब तो ज़्यादा होता नहीं है, सुबह नहाना नहीं होता अभी, द विंटर इज़ स्टिल हियर। तो सब जा रहे हैं। मेरी कैसी गुड मॉर्निंग ले रहे हो, मेरे मुँह तो दिख नहीं रहा है। हाँ जी, अब दिख रहा है मुँह आपका, बताओ क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो? कौन सी एक्टिविटी पता भी नहीं है, फिर इतनी खुश क्यों? क्योंकि मम्मा ने बताया है। मम्मा ने बताया है? ओके। सो माला दीदी ने बनाई है आज मैकरोनी और मैं छोड़ते ही आया और मैं सोचा थोड़ा सा खा लेता हूँ और फिर थोड़ा सा देखते हैं, आधा घंटा एक घंटा और लेट जाएंगे। जितनी ज़्यादा नींद मिल जाए उतना अच्छा है ना, क्या बोलते हो? ठीक है ना। और मैकरोनी बड़ी स्वाद सी बनी है अभी से। बनना उठी थी जैसे उन्होंने आप लोगों को बताया था ना कि उठी है वो रिदा को भेजने के लिए। अभी जाके मैं छेड़ता हूँ इसे, मैं कहता हूँ आज सिमर उठनी भाई, देखता हूँ क्या बोलते हैं भाई, बोलता हूँ जाके देखना। सुबह आज मैंने ही रिदा को भेजा सुबह ऑफिस, ओह सॉरी स्कूल। सिमर तो नहीं उठ पाए, उसकी तबीयत थोड़ी कल नहीं, सिमर ने कुछ नहीं किया अभी तक। देखो आप बिस्तर पे ही ऐसे ही लेटी हुई थी, वहीं से इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो कैसी है अभी गर्दन? गर्दन अटक गई। अच्छा है, इधर उधर बहुत। तो ये जो तुमने अभी जेल लगाया है ऐसे तो ये सुन लो गई है। जो सुन लो वाली फीलिंग होती है तो मूव करने में पेन नहीं हो रहा। कल रात को लगा लेनी चाहिए थी ये। वो लगाया ना तुमने जो दूसरे वाला। हाँ तो एक्सपेंसिव वाली चीज थी ना वो, तो मैंने जो तुम्हारे को एक्सपेंसिव चीज़ों से ज़्यादा थोड़ा जल्दी फर्क पड़ता है ना दवाइयों से, तो मैंने सोचा कि वॉलनी ना लगा के वो लगाता हूँ ताकि तुम्हें जलन ना हो। तुम्हें जलन बहुत होती है, तुम्हारी होल्डिंग कैपेसिटी भी तो कम है ना, सहने की शक्ति तुम्हारी कम है। होल्डिंग कह रहा हूँ। चलो जी इन्वेस्टर्स को देना। ओके बहुत बढ़िया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सो कैसे आप सब लोग? तो सेठी साहब आके सो पे हैं, ऑब्वियसली मुझे अभी नींद नहीं आ रही बिकॉज वो डेली उठते ही हैं उस टाइम पे, तो नींद आती नहीं है। मैं दोबारा जब लेटती हूँ तो 9:30-10 बजे के करीब लेट जाते हैं, 1.5 घंटे के लिए। और तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग एडिट कर लूँ, और गर्दन थोड़ी सी स्टिफ हो गई है तो अभी वॉलन ही लगाई है, वो उससे बेटर हो जाए और पेन किलर भी खा लेंगे। बट पता नहीं आ रहा ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्या कल बैठे बैठे, मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं सो के उठी और फिर गर्दन में थोड़ी मोच आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन द सोफ़ा और ये बैठे बैठे एकदम से पेन शुरू हुआ और स्टिफनेस आ गई, तो पता नहीं क्या है। तो पेन किलर खा लेंगे एक आधी, अभी सोच रहे चाय पीने के लिए। और भाई आज मौसम में थोड़ा सा वो ठंडास आ गई है, जो होली से पहले मम्मी बोली रही थी कि होली से पहले एक बारी फिर से ठंडा सा होगा, आई डोंट नो अब वही है क्योंकि मुझे या तो मेरा तबीयत थोड़ी हल्की ख़राब रखी है और मैंने वो वॉलिनी वगैरह लगा रखी है तो मुझे वैसे ठंडा ठंडा लग रहा है, बट डोंट नो। सो बट थैंकफुली मेरी ये वाली जैकेट पड़ी थी बाहर, सो अभी तो वही लगा रखी है, पहनी हुई है। चाय पीते अभी। हाँ जी दोस्तों, तो आज हुआ ये सूझ रही है क्या ये साइड, तो आज हुआ ये कि मैं सोया तो जा नहीं रहा था मुझसे क्योंकि दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं नीचे ही आ गई थी सुबह ही और फिर यहाँ बैठ के मैं अपना एडिट वेडिट कर रही थी, चाय वाय पी मैंने, एंड देन आई स्लेप्ट हियर, यहाँ सो गई थी मैं। आवाजें वाजें आ रही थी, मम्मी अपना पाठ वाठ सुन रहे थे, बट मैं फिर मुझे नींद आ गई यहाँ पे क्योंकि कल रात को भी सोने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो शायद इस वजह से आ गई। अभी बस दवाई मंगाई है हमारी रामबाण दवाई, इसको खा के मुझे लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। दिस इज़ मोबीजॉक्स, तो इसको खाएंगे और इसे हो जाता है, मतलब हम वैसे बैक एक वगैरह के लिए खाते हैं, ये उसके लिए होती है पेन्स वगैरह स्पैजम वगैरह के लिए, तो बस खाते हैं और देखते हैं फिर ठीक होते हैं कि नहीं। नाश्ता हो रहा है हमारा, छोले बहुत स्वाद बने हुए हैं ये और मूली के पराठे। एक्चुअली छोले मुझे मम्मी ने अभी दिए
क्योंकि मुझे छोलों का पता ही ना, मैंने मूली के पराठे माला को बोल दिए, बट छोले बहुत टेस्टी बने हुए हैं और चाय तो है ही है साथ में जो है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब लोग। तो कल मैंने व्लॉग नहीं डाला बिकॉज आई वॉज इन फीलिंग वेल। सुबह राहुल ने शूट किया था, उसके बाद मैंने भी शूट किया था, बट उसके बाद थोड़ा सा दर्द ज़्यादा हो रहा था तो मैंने दवाई खाई थी और उसके बाद वो उतना ड्राउजी कर देती है दवाई, बट ये है कि एक उसमें आराम आ जाता है, एक दो गोली खाओ उसकी एंड देन यू फील बेटर। तो आज काफ़ी फ़र्क है, नेक स्टिफ नहीं है जैसा पहले दिन हो गया था, स्टिफ हो गया था, सो वो चीज़ नहीं है अभी। और आज मेरी जुम्बा क्लास भी है तो अभी बस मैं रिदा को छोड़ के आई थी और आने के बाद अभी कपड़े वगैरह लगा दिए हैं धुलने के लिए, तो अभी जाएंगे जुम्बा क्लास अपनी और सीट से आपको भी उठाते हैं थोड़ी देर बाद। चाय वाय नहीं पी रहे हैं अभी सुबह सुबह, पानी वानी पियेंगे गर्म। और नई मशीन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है भाई, क्या स्यापा पड़ता रहता है इवन, इसमें एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, सुनो खट खट की आवाज़ आ रही है ना। जब हम लेके आए थे तब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अब आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आई थिंक तो जुड़ा हुआ है हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसी चीज़ें होना, तो देखते हैं, आई होप चलती रही है ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम ना हो। दादू आ गए हैं, रिदा भी आ गई है, रिदा को देखो पैंट कहाँ चढ़ा रखी है ये, चलो ये देखो कूड़ा उठा रहे हैं रिदा वो। रिदा मैडम रुक गई है पीछे ही, पापा के साथ आ रही है वो गाड़ी में और मैं जा रही हूँ बस ऊपर। मम्मा खा रही है अपना फूड, रोटी और प्याज, दाल, दाल नहीं है कोफ्ते हैं, दाल कोफ्ते और मिर्ची का अचार और चाय चाय और दादू और दादू पी रहे हैं कांजी कांजी, कोफ्ते खा रहे हैं और अभी उन्होंने रोटी खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं और दादी खा रही है कांजी, दादी खा रही है कोफ्ता, दादी खा रही है घी के कोफ्ते, प्याज मिर्ची का अचार और रोटी, दादी भी दिखा दो मेरे और माला जो दीदी है वो ऐसे ही बैठी हुई, वो ऐसे ही बैठी, खाओ खाओ। मैं क्रोनिक खा लिए थे, मैं खाऊंगी 3:30 बजे। बाय रिची, मम्मा आएगी लेने, ठीक है बात ले जा सकते हैं, दोपहर का टाइम होगा ना, शाम को बात जा सकते हैं। हाँ शाम को जाएंगे, जैसे कि यो रबानी इनू कुकू यूसुफ और मिठू। हाँ जाएंगे बच्चा, गो और सिमरत। ओके ओके एंजॉय। हाँ ये देखो कितना तहस नहस मचा पड़ा है, ये रिदा ने और माला क्यों आई हुई है, भतीजी भांजी दोनों ने करा मिलके, बैठिए यहाँ पे टीवी देखना है आपको, टीवी देखोगे हाँ। देखना ओके हाँ? क्या मोट है, हाँ ये रहा मोट को, मोट है मोट, चलो देख लो। आज सुबह दुनिया जहान के कपड़े धुले हैं भाई, पूरा घर रगड़ा है कपड़ों से, तो बस सूख गए हैं, अब इन्हें उतारते हैं और लगाते हैं तय वह बैठ के। हाँ जी तो नहा धो के बन गया जी बाबू, जैसे कि हम हर भरी बोलते हैं, तो नहा धो लिए और अभी एक चीज़ हो रही है मेरे साथ, एक्चुअली आई जस्ट हैड मेडिसिन, वो जो नेक पेन के लिए मैं ले रही हूँ, और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी नहा भी रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी आंखें ऐसे बस बंद हो रही हैं, दी जस्ट शटिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है वो, और ऐसे बस ऐसा ऐसे वाली फीलिंग हो रही है और बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत अजीब सा हो रहा है। और रिदा पार्क में अभी खेल रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस 10-15 मिनट भी मैं सो लूँ, सो कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बेड पे पड़ूंगी एंड आई विल बी गॉन, ऐसा वाला फील हो रहा है। तो
बंद करते हैं और अभी मैं नहा के आई हूँ और बहुत अजीब फील हो रहा है मुझे, बट चलो आराम आ जाएगा कम से कम उससे दवाई से, दैट इज़ द ओनली गुड पार्ट, अदरवाइज तो बहुत बुरी हालत हो रही है। तो हम जा रहे हैं भाई नीचे और तबीयत थोड़ी ऐसी सी हो रही है, मतलब दवाई का हो रहा है या क्या हो रहा है, बहुत ही लथार्जिक और नींद ऐसे हो रही है कि आई जा रही है या तो मेडिसिन की वजह से हो रहा है, बिकॉज उससे पहले जब तक नहीं खाई थी तो ठीक था, पेन नहीं है, बट अदरवाइज वैसे लथार्जिक हो रहा है। आई होप कल तक ठीक हो जाएगा और कल दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे जाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। सेठी साहब आ गए हैं अपने काम से वापस 10:30 बजे। कैसा लग रहा है खाना खा के? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा। क्यों? ऐसे मन नहीं होता शाम को अच्छा खाने में। बट 3 रोटियां खा गया, 2 रोटियां 1 पराठा। नहीं खाओ तो नहीं खाओ। हाँ वही वाला सीन है, खाने बैठ जाओ तो फिर ऐसा लगता है कि खा लो। सही बात है। मेरी तो गोली ने बहुत बुरी हालत कर रखी है उसने, मोविज़ॉक्स ने। क्या कर रखा है उसने? ड्राउजी। अच्छा, और क्या तुमने टाइटल कर रखा था कल के ब्लॉग का? She doesn't understand my pain. So you don't. तुम्हें मजाक ही लगता है हर एक चीज। मतलब मजाक हो रहा है तो उसको you will publish it on the social media. इसी ने बोला था रखने के लिए। इसी ने बोला था रखने के लिए। मैंने बोला था रखने के लिए। कितनी झूठी है। बदल जाता है ये बंदा कैमरे के आगे आते ना। He is the fake vlogger. मैंने इसको बोला था ही डजंट अंडरस्टैंड माय पेन करके आगे स्माइली होनी चाहिए, इसने स्माइली हटा दी तो वो मतलब ही चेंज हो गया ना यार। बिगेस्ट फेक व्लॉगर ऑन यूट्यूब। ये टाइटल इकट्ठा कर रही है कि टाइटल क्या करना है। ये टाइटल देख के भी नहीं खोलते व्लॉग। ये भी ऐसे ही हो गए हैं, कोई नहीं खोलते व्लॉग। नहीं यार, जो हमारे हैं वो 8-10 हज़ार वो तो देख रहे हैं, उनके लिए नहीं बोलना, और कोई नहीं खोलते, कोई बात नहीं, जो जितना खोलते हैं आप लोग खोलते हो यार। ये मेरी बात है, आपने तो नहीं ली दिल पे है? आप लोग तो खोलते हो यार, आप लोग तो प्यारे हो सारे। क्या खोलते हैं? हमारे प्यारे व्लॉग और क्या खोलना। तो मैं सभी आए हैं सेठी साहब और हम तो ऐसे नींद में ही घूम रहे हैं। और तो मेरी बहुत बुरी हालत हुई पता है, मैं नहाते नहाते मुझे नींद आ रही थी, मैं पानी डालूं ऊपर मेरी आंखें बंद हो ही जाए ऐसी हालत होती है। ऐसा तो किसी का भी नहीं होता। फेक व्लॉगर कौन दिख रहा है वो समझ में आएगा गाइस आपको। कोई नहाते हुए आदमी को उठाने के लिए पानी डालते हैं उस पे, मैं पानी ऊपर डाल रही हूं मुझे नींद आ रही है। कसम से बोल रही हूं। आप बता दो कौन फेक व्लॉगर है, ध्यान में आ जाएगा सब। झूठ नहीं बोल रही, कसम से बोल रही हूं। चलो बढ़िया है, ठीक है, कसम से बोल रही हूं। हां सच्ची बोल रही हूं, बढ़िया है भाई।